हेलो मेरे यारो, तो आ चुका हूं मैं, तो तुम भी आ जाओ और साथ में सुनते हैं एक ट्रैक। सो अभी जो ट्रैक हम सुनने वाले हैं उसका नाम है जीने दे बाय थोराट, प्रोड्यूस बाय टोनी जेम्स, कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ बंटाई रिकॉर्ड्स। थोड़ी एक्शन शुरू करें, उसके पहले थोड़ी बातचीत कर लेते अपने ऑडियंस से। तो भाई साहब, क्या दिक्कत हो गई है, चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं हो रहा है आप लोगों से? मैंने जस्ट एनालिटिक चेक कर रहा था, अराउंड 85% ऑफ माई व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई क्या दिक्कत हो गई, क्या हो गई? मुझे पता है ब्रो, ये मुझे भी पता है कि कौन से आर्टिस्ट पे रिएक्ट करूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर गेन होंगे, पर डज इट रियली मैटर्स कि मैं बड़े आर्टिस्ट जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है उन पे मैं रिएक्शन करके खुद के सब्सक्राइबर बढ़ाऊं? वो मुझे पता है कौन से गानों पे करूंगा, किन आर्टिस्ट पे करूंगा तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, वो मुझे भी पता है। बट मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी अलग है, दैट्स वाई मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को जिन्हें जरूरत है उनके गानों पर रिएक्ट करो, ताकि उन्हें मेरी तरफ से थोड़ी भी अगर व्यूवर मिल जाए तो काफी ज्यादा बेटर मेरे लिए रहेगा, उनके लिए रहेगा और बहुत सही हेल्प हो जाता है। तो यार अब तुम लोग साथ नहीं दोगे तो मैं अकेला कितने दूर जाऊंगा, छोड़ो उसको साइड रखते हैं। तो चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन, एंड टू ऑल द थोराट फैंस, टू ऑल द बंटाई रिकॉर्ड फैंस, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक योर बॉय ग्रो। 10K कर दो यार, कब से 9K से 10K जाने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, कर दो। सो लेट्स स्टार्ट इट बैक बंटाई रिकॉर्ड्स। मेरे दाता समय तो दो, मुझे भी खेलना है कैसीनो, मुझे भी। जैसा गाना शुरू हुआ था जो वॉइस मॉड्यूलेशन थी वो काफी ज्यादा एमवीवी की तरह साउंड कर रही थी, अचानक से हिट किया ना, मुझे लगा यार एमवीवी का आवाज कहाँ से आ गया, सो ऐसा फील हुआ मुझे। हाँ, ओ मेरे दाता समय तो दो, मुझे भी खेलना है कैसीनो, मुझे भी जाना है फैशन शो, मुझे भी करने हैं बड़े बड़े शो, मेरे अंदर भी है बिग शो, मुझे भी बनना है रोमियो, मुझे भी करनी है अय्याशी, मुझे भी लानी है रोड पे इसी जगह बड़े बड़े लोग। टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो भाई को करना है, जो भाई के सपने है कि ये चीजें है तो इन्हें मैं करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे घूमूंगा, भाई घर पे एसी रहेगी, गाड़ियां रहेगी, कैसीनो में खेलेंगे, शो ऑफ करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, तो ये चीजें हैं जो भाई को करना। और यार सबके अंदर भाई हर कोई बोल दे कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर दिल के अंदर एक रहता है कि भाई ये करता तो क्या मजा आता, तो वही चीजें यहाँ पे बोल रहा है भाई। चलो ओ मेरे दाता समय तो दो, मुझे भी खेलना है कैसीनो, मुझे भी जाना है फैशन शो, मुझे भी करने हैं बड़े बड़े शो, मेरे अंदर भी है बिग शो, मुझे भी बनना है रोमियो, मुझे भी करनी है अय्याशी, मुझे भी लानी है रोड पे इसी जगह बड़े बड़े लोग लेते बड़ी बड़ी कार, इनको देख के जल्दी मेरी ग्रांड आंखें देखती। दैट्स ह्यूमन नेचर ब्रो, दैट्स ह्यूमन नेचर। जब कोई भी मतलब सामने वाला देखते हो ये ले रहा है वो ले रहा है, फिर अंदर ही अंदर कहीं एक कोने में तो गांड जलती ही है, तो दैट्स ह्यूमन नेचर। इस पे तुम्हारा भाई कंट्रोल नहीं है, ये होता है जब ये बड़े बड़े लोग लेते बड़ी बड़ी कार, इनको देख के जल्दी मेरी गांड आंखें देखती और सोचता दिमाग क्यों ये अपने पास नहीं, ये बोलो दो नंबर का धंधा करे, ईमान को बेच के गंदा करे, कोई नहीं बोलता अच्छा है रे, एक सिगरेट दे अब तू बच्चा है, वो मर गई तो किसको कोसेगा, खाना नहीं तो किसको नोचेगा, लादी नहीं तो किसको पोचेगा। और बेटर हो सकते थे, पर जो इमोशन है गाने के पीछे वो इमोशन काफी तगड़ा है, राइमिंग स्कीम थोड़ी बेटर हो सकती थी। किसको कोसेगा, खाना नहीं तो किसको नोचेगा, लादी नहीं तो किसको पोचेगा, पैसे नहीं तो किसको ठोकेगा, तू मुझको ठोकेगा, ए मेरे भाई तुझे घंटा मिलेगा, स्लोली में तुझको फिर संटा दिखेगा, ज्यादा बजेगा फिर बंटा ही दिखेगा। दैट वाज गुड। जीने दे, 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 talking about the hook part, your hook part was simple lekin better than the previous one, jo pichla gana tha थोराट का उसका हुक के लिए भाई को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा था, लेकिन क्रिटिसिज्म जरूरी है, तब आर्टिस्ट को पता चलता है कि भाई ऑडियंस को मेरे में क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है, तो भाई उस पर काम करता है। सो पिछले ट्रैक से यहाँ पे हुक काफी ज्यादा सही था, मुझे पसंद है यहाँ का हुक, दैट वॉज गुड। भीख
मांग के खाया, कोई नहीं बस माँ बाप का साया, क्या पिज्जा बर्गर क्या नल्ला पाया, रोटी या ठेसा दबा के खाया, धक्के चोट पुलिस के बुक के भी खाया। टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ स्टोरीज, कैसी जिंदगी गुजरी है वो अपना पास्ट भैया बता रहे हैं कि भाई बर्गर पिज्जा तो छोड़, हम रोटी चटनी पे अपने गुजारा किए हमने। दैट वाज गुड। भीख मांग के खाया, कोई नहीं बस माँ बाप का साया, क्या पिज्जा बर्गर क्या नल्ला पाया, रोटी या ठेसा दबा के खाया, धक्के चोट पुलिस के बुक के भी खाया। सड़क से निकले थे दो जन, वो मेहनत से बेटा आसमान में, उसको देखकर मैं भी वो आया, जिंदगी जी रहा हूँ सब उसके साथ। So he is talking about Emmy Way Bantayer, because मुझे ऐसा पर्सनल फील हुआ कि सड़क से निकले दो जन अभी वो मतलब आसमान में बैठा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि he is talking about Emmy Way Bantayer, because बहुत पहले एक ट्रैक आया था बहुत हार्ड Emmy Way Bantayer और थोराट का, तो भाई वही शायद रेफरेंस वही मारते हुए बोल रहा हो कि भाई अभी बहुत ऊपर पहुंच गया और भाई को इंस्पायर्ड होके हम भी गाने बना रहे हैं शायद। इफ यू नो कमेंट डाउन ब्रो, इफ यू नो कमेंट डाउन। भीख मांग के खाया, कोई नहीं बस माँ बाप का साया, क्या पिज्जा बर्गर क्या नल्ला पाया, रोटी या ठेसा दबा के खाया, धक्के चोट पुलिस के बुक के भी खाया। सड़क से निकले थे दो जन, वो मेहनत से बेटा आसमान में, उसको देखकर मैं भी वो आया, जिंदगी जी रहा हूँ सबूत के साथ, मैं हूँ एक मेरे आजू बेयात, हमको भी जीना है खुलेआम, क्या करे बस मकसद के साथ, नसीब ने पास बदन पे पसीना और हाथ में है ग्लास, रख के डबल करते जो अपने खास, अपने भी लॉटरी होने दे पास, आज लस्सी पियेंगे कल पीते। रोटी सब्जी खा रहे, कल टंगड़ी भी तोड़ेंगे मेरे भाई। दैट वॉज गुड। को लगता है डर, डाल देंगे पत्थर सर पर ऊपर ठसन से, कसम से मेरे कब्र को जरा भी सबर नहीं, मैं नशे में जरा भी सोबर नहीं, मैं जेल में मेरा कोई वकील नहीं, मेरे दुश्मन को जरा। यहाँ पे यार वकील के जगह लॉयर ही रखता तो काफी ज्यादा सही राइम करता पिछले वाले वार्ड से। आई एम जस्ट गिविंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन यार, मैं वो झूठ बोल के कुछ ज्यादा ये नहीं करना चाहूंगा, भले लोगों को खराब लग सकता है कि बंदा ये बोल रहा है वो बोल रहा है, लेकिन ऑनेस्टली जो चीजें लग रही है वो मैं बता दे रहा हूँ। मुझे हिप हॉप का बिल्कुल ज्ञान नहीं है ब्रो, मैं रिएक्ट करता हूँ एज अ लिसनर, सुन के जो कानों में अच्छा लगे वो मुंह से बोल देता हूँ, वही सारी चीजें मैं ऑनेस्टली आपको बोल दे रहा हूँ ब्रो। होने दे पास, आज लस्सी पियेंगे कल पीते थे छास, कल रोड पे भी सोने को लगता है डर, डाल देंगे पत्थर सर पर ऊपर ठसन से, कसम से मेरे कब्र को जरा भी सबर नहीं, मैं नशे में जरा भी सोबर नहीं, मैं जेल में मेरा कोई वकील नहीं, मेरे दुश्मन को जरा भी खबर नहीं, मैं मर्द हूँ करण जोर नहीं, अब बस मुझे तू जीने दे दर्द मेरे। I think he's talking about I'm a man, मैं मतलब third gender और LGBT something ये नहीं हूँ, लेकिन वो होने में कोई खराबी नहीं है ब्रो। Talking about करण जोहर, भाई करण जोहर अभी जहां पर भी है जिस फील्ड में भी है बहुत बड़ा रुतबा है उस आदमी का, वो बहुत लोगों को पसंद है बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बट द लाइफ स्टाइल वो जी रहा है वो भाई बहुत बड़ी चीज है। और भाई क्या दिक्कत है, लोग LGBT है उनकी चॉइस है, वो खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को ढूंढ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। सो मैं यहाँ इस लाइन से थोड़ा क्या बोलोगे खुश नहीं हूँ, शायद खुश नहीं हूँ, पर्सनल ओपिनियन। मेरा कोई वकील नहीं, मेरे दुश्मन को जरा भी खबर नहीं, मैं मर्द हूँ करण जोर नहीं, अब बस मुझे तू जीने दे दर्द मेरे सीने में, गिल्ला है कपड़ा पसीने से, सक्सेस को चढ़ना है धीमे से, अब बस मुझे तू जीने दे दर्द मेरे सीने में, गिल्ला है कपड़ा पसीने से, सक्सेस को चढ़ना है धीमे से। ये वाला सेक्शन काफी सही लगा मुझे। जीने दे जीने दे जीने दे जीने दे street, yeah, representing for streets. अच्छा ट्रैक था यार, जो पिछला वाला ट्रैक था उससे काफी ज्यादा सही था, हुक भी बहुत सही था, जो राइटिंग थी वो भी काफी ज्यादा सही थी, मतलब प्योर इमोशंस थी। स्किल्स को साइड कर दो, इमोशन के बारे में बात करिए इस गाने का, तो इमोशंस काफी तगड़े थे और काफी सही थे। वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ पे मुझे थोराट का बहुत सही लगा, जो हुक पार्ट था वो बहुत सही लगा, और बाद में जो मैंने वहां पे बोला था ना व्हाट वाज दैट, थोड़ा पीछे जाते मैं बोलता हूँ वो वाली लाइन,
अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर दी है. लेट मी से दिस लाइन, नॉट दिस. वो धीमे से सक्सेस को चढ़ेंगे धीमे से. तो वो वाला सेक्शन मुझे काफी ज्यादा सही लगा था. और भाई जो चीजें खराब लगी वो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑनेस्टली बोल दिया. बिकॉज तुम जानते हो यार, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, तुम मेरे रिएक्शन देखते हो, तो तुम्हें पता है मैं शुगर कोट नहीं करता. जो मुझे सही लगता है एज अ लिसनर, मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे शायद कुछ खटका, तो मैं वो मुंह फट के तरीके से बोल देता हूँ. और वो चीजें कुछ चीजें लगी कि राइमिंग्स थोड़ी बेटर हो सकती थी. और करण जौहर वाला बार पे थोड़ा मैं डिसएग्री करता हूँ. बिकॉज दे गॉट अ लाइफ स्टाइल ब्रो. एलजीबीटी जो है उनके भी कुछ लाइफ स्टाइल होते हैं जिसपे उन्हें प्राउड है, और हमें भी प्राउड होना चाहिए. हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ये ना कि मजाक उड़ाना चाहिए. सो दैट वॉज अ गुड ट्रैक, मजा आया सुन के. एंड मुझे क्या दिख रहा है, मैं थोराट को बहुत दिनों से सुनता हूँ. ऐसा नहीं है कि आज से सुन रहा हूँ, एक महीने पहले से सुन रहा हूँ, या फिर बंटाई रिकॉर्ड्स में ज्वाइन होने के बाद से सुन रहा हूँ. बट बंदे की इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, और बंटाई रिकॉर्ड्स में आने के बाद बंदा काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है, और भाई खुद के ऊपर काम कर रहा है और अच्छी चीजें लेके आ रहा है. तो वो बंदे को करना चाहिए. भले लोग क्रिटिसिज्म करे, क्रिटिसिज्म जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए. बिकॉज जब तक तुम क्रिटिसाइज नहीं करोगे, बंदे को सामने से पता नहीं चलेगा कि लोगों को क्या चीजें पसंद आ रही है, क्या चीजें पसंद नहीं आ रही, उसको किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना. सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले ट्रैक पे. तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम.